उम्मीद है बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज मैं जो डिश बनाने जा रही हूँ उसका नाम है ढोकला, उसे खमंड भी कहते हैं। बहुत इजी रेसिपी है, शाम में अमूमन बनाया जाता है। ये डिश गुजरात में ज़्यादा खाई जाती है। चलें, बहुत इजी रेसिपी है, वक्त ज़ाया किए बगैर इसको बनाते हैं। बहुत इजी रेसिपी है, आइए स्टार्ट करते हैं। 2 कप हमने बेसन लिया है, 2 टेबल स्पून चीनी ली है, 1 टेबल स्पून हमने लाल मिर्च ली है, 1 टेबल स्पून हमने हल्दी ली है, 1 टेबल स्पून राई है, नमक हसबे जायका है एंड 1 टीस्पून हमने बेकिंग सोडा लिया है, जिसे बेकिंग पाउडर भी कहते हैं। हमें तेल लेंगे हम फ्राई में, और हमें 2 नींबू लिए हैं। हम खट्टा मीठा ज़्यादा खाया जाता है हमारे यहाँ, आप 1 भी ले सकते हैं। थोड़ी सी हरी मिर्च ली है, करी पत्ता और धनिया लिया है। पहले हम मिक्स का मिक्सर बना लेते हैं खमंड का, फिर हम तड़के की चीज़ देखेंगे तेल करके में क्या क्या चीज़ें डालेंगी। हम बेसन ऐड करेंगे, इसका मिक्सर बना रहे हैं सबसे पहले, फिर उसमें बेसन जाएगा। हमने 2 कप लिया हुआ है। अब हम नमक डालेंगे हसबे जायका, हल्दी डालेंगे, लाल मिर्च डालेंगे इसमें थोड़ी सी, थोड़ी चीनी ऐड करेंगे, बेकिंग सोडा डालेंगे, अब इसका हम पानी डाला के इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। देखिए इसी तरीके का बेस होना चाहिए। अब इसको हम 10-15 मिनट के लिए छोड़ देंगे ताकि अच्छे से तैयार हो जाइए। हम तड़के की तैयारी करते हैं। मैंने इसको 1 कप पानी पहले ही डाल दिया, गर्म कर दिया है पानी 1 कप। अब इसमें हम चीनी मिक्स करेंगे जो हमने 1 टेबल स्पून छोड़ी है। पानी खुलता है, पानी में 1 टेबल स्पून चीनी डाल दी है, इसका मिक्सर बना दिया है जो हमारे तड़के में काम आएगा। हम तड़का तैयार करेंगे। तड़के का सामान के लिए हम ऑयल लेते हैं, 3 स्पून आप ऑयल ले लें। ज़्यादा ना हो तेल, जब गर्म हो जाए तो इसमें राई डाल दें। इसमें हरी धनिया डाल दें, चार इसे करी पत्ता डाल दें, इसी के अंदर हमने जो शुगर सिरप बनाया था वो डाल दें। थोड़ा पानी खुश हो जाए इसका, हमने पहले ही पत्ते में पानी गर्म करने रख दिया है। इसके अंदर ही थोड़ी देसी डाल दें। पहले हम ऐसे प्लेट ले लेंगे, आप इस प्लेट हो या डिश हो जिसका आप मिक्सर डाल सकें। अब हम इसमें ग्रीसिंग करेंगे। अब हम इस मिक्सर के अंदर हमने लेमन लिया था, हम वो डाल लेंगे। इसको अच्छे से मिला लें। अब हम इस प्लेट में इस मिक्सचर को अच्छे से मिला लेंगे।
हम इस मिक्सचर को इस पतीली के अंदर इस तरीके से रख देंगे कि भाप में या स्टीम में कुक हो जाए अच्छे से। अब हम इसको इसके ऊपर रख देंगे। अब हम इसको ढाप देंगे, 15 से 20 मिनट के इसको छोड़ेंगे ताकि अच्छे से पक जाए। हो चुके हैं, चलो हम इसको चेक करते हैं कि ये हो चुका है। हम आज चिकनी डालेंगे इसके चेक करने के लिए। देखिए बिल्कुल खुश्क आई है बाहर, इसका मतलब ये रेडी हो चुका है। हमने काट के मैंने निकाल लिया है, अब इसे मैं तड़का डालूंगी। आप इसको जरूर ट्राई कीजिएगा, बहुत इजी रेसिपी है। आप अपने कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि कैसी बनी है। इसको लाइक करें, इसको सब्सक्राइब करें चैनल को। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।